नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छोटू मम्मी किचन पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ सैंडविच, जिसको हम ग्रिल चीज़ सैंडविच भी बोलते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट घर पे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी अच्छी रेसिपी है, बच्चे बहुत ही खुश होकर इसको खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमें चाहिए ये ब्रेड जो आप मार्केट में मिल जाएंगे, जिनको सैंडविच ब्रेड बोलते हैं। और ये मसाला है, इसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया पाउडर है और काली मिर्च है, और जो चाट मसाला आता है वो भी इस मसाले के अंदर हमने पहले ही मिक्स कर लिया इसको। और ये बॉईल किए हुए आलू हैं, ये ज़रूरी हैं क्योंकि जो हमें पेस्ट बनाना है आलू का ही पेस्ट बनेगा। और इसके बाद हमने ये जो कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, इसके अंदर आपके टमाटर हैं, प्याज हैं, शिमला मिर्च हैं, खीरा है, हरी मिर्च है, धनिया है, उन सबको काट लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप भी ऐसे ही कर लेना। और ये है मोज़रेला चीज़, ये जो चीज़ होता है अमूल का चीज़ आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आज हम चीज़ सैंडविच बनाएंगे तो चीज़ ज़रूरी है उसके अंदर। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आलू आप किसी भी चीज़ में डाल दीजिए और इनको मैश करना है अच्छे से, या तो आप हाथ से कर दीजिए, मैं हाथ से ही कर रहा हूँ इनको मैश। हाथ से कर दीजिएगा अच्छे से, सारे आलू डाल के उनको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। बट अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लेना, मैंने अपने अच्छे हाथ अच्छे से धो लिए हैं हाथ, उसके बाद ही मैं अपने हाथों से इनको मैश कर रहा हूँ। ये देखिए हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमारी वेजिटेबल्स थी वो आप सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मैश करना है हमें डाल के। वेजिटेबल ज़रूरी है, अगर वेजिटेबल नहीं डालोगे तो अच्छी नहीं बनेगी आपकी जो सैंडविच होगी। सारी की सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल लीजिएगा। अब इन वेजिटेबल्स को आप जो आलू का पेस्ट था उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि यही हमारा जो है पेस्ट वही आपको ब्रेड के ऊपर लगाना है। बिल्कुल धीरे धीरे कीजिएगा, अच्छे से बिल्कुल मैश होनी चाहिए ये आलू के पेस्ट के साथ, ताकि ब्रेड के ऊपर ये प्रॉपरली फैल सके। देखिए हमने जो आलू था हमारा उसको और जो वेजिटेबल्स थी उनको अच्छे से मिला लिया है। अब इसके अंदर आपको मसाला डालना है, जो मसाला मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है ये मसाला डाल दीजिएगा। इस मसाले के अंदर काला नमक है, वाइट नमक है और लाल मिर्ची है आपकी, काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और आपका चाट मसाला है। ये ज़रूरी है मसाला, क्यों इस मसाले से ही टेस्ट आएगा आपका। और इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। ये देखिए हमने अपना मसाला अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो चीज़ है हमारा अमूल चीज़ वो इसके अंदर आपको डाल के मिक्स करना है अच्छे से। ये जैसे हम चीज़ डाल देंगे इसके अंदर, इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेना। सारा चीज़ यहाँ पे नहीं डालना है, कुछ चीज़ यहाँ पे डालना है और बाकी का जो बचा होगा वो हम ब्रेड के अंदर लगाएंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगाना है वो भी। ये सारा इसमें चीज़ डाल लिया हमने, इस चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि चीज़ सैंडविच है तो चीज़ बहुत ज़रूरी है सैंडविच के अंदर, बिना उसके बन नहीं पाएगी। और इस चीज़ को इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे से। इसके अंदर हमने क्या मिक्स किया, आलू, वेजिटेबल्स, चीज़ और जो हमारा मसाला है वो मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा पेस्ट बन गया है जो हमें ब्रेड्स के ऊपर लगाना है। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हमारी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पेस्ट तैयार हुआ है इसको ब्रेड्स पे लगाना है, ब्रेड पे अच्छे से लगाना है। ये दो ब्रेड ले लिए मैंने, इनके ऊपर अच्छे से इसको लगा देते हैं। ज़्यादा नहीं लगाना आपको, हल्का हल्का और पूरे में स्प्रेड करना है, मतलब पूरी ब्रेड पे होना चाहिए आपका। जैसे ये मैं लगा रहा हूँ इसको अच्छे से, आप चाहे तो हाथ से फैला दो, आप चाहे तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जैसा भी आप करना चाहो। दोनों ब्रेड पर लगाना है आपको ये अच्छे से, कोने पर भी लगाना है, ज़्यादा नहीं करना, इतना लगाना है कि ये अच्छे से बंद हो जाए। इस ब्रेड पे हमने लगा दिया है, दूसरी ब्रेड पे भी आप लगाइए इसको। ये जो एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल देना आप, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए हमने लगा दिया है दोनों ब्रेड्स पे। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करना है, जो हमारा चीज़ था हमने, ये दो ब्रेड हैं आपकी, देखिए इसके ऊपर आपको चीज़ डालना है। चीज़ आप जितना लेना चाहो उतना चीज़ डाल सकते हो, ये मैं चीज़ डाल रहा हूँ दोनों पे थोड़ा थोड़ा। इसको चीज़ को अच्छे से फैला देना,
क्योंकि चीज़ का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। मैंने चीज़ डाल दी इस दोनों के अंदर। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ब्रेड उठा के ऐसे सेट कर देनी, दोनों की दोनों ऐसे चिपका देनी अच्छे से, ठीक है। ये आपकी देखो ये स्टफिंग बड़ी अच्छी आ रही है इसमें, ये देखिए पूरा भर चुका है ये हमारा चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ये ऐसे तैयार कर लेना आप सारे के सारे ब्रेड। देखिए दोस्तों हमने ये सारे हमारे तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल स्टफिंग आप देख सकते हो प्रॉपर है, काफ़ी अच्छे से हमने स्टफिंग की है इनकी, देखिए। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास ये सैंडविच मेकर है तो ये देख लीजिए, ये अगर सैंडविच मेकर है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो ठीक है, नहीं आप इसे तवे पे भी सेक सकते हो। जब हमारा ये सैंडविच मेकर गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आ जाएगी और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर घी लगाना है। तो देखिए ये गर्म हो गया है हमारा, इसके ऊपर मैं घी लगा देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा घी लगाना है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा घी कर दीजिए क्योंकि ग्रिल सैंडविच बना रहे हम। और जो हमारी ये तैयार हुई थी ये वाली हमारी जो सैंडविच है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऐसे घी लगा देंगे ताकि ऊपर की साइड से, और इसको हम अब इसके ऊपर ऐसे पलटी मार के रख देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से रख लीजिए और इसके ऊपर घी लगा दीजिए थोड़ा सा, इसको पकने दीजिए, गर्म होने दीजिए, उसको अच्छे से गर्म कर देगा वो। आप इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दीजिए ताकि वो बिल्कुल सैंडविच की शेप ले ले प्रॉपर हमारी। इसको अच्छे से बिल्कुल बंद कर दीजिए, चिपका दीजिए, ये देखिए एक मिनट के लिए रखिए इसको, वो अच्छे से हो जाएगा हमारा, ज़्यादा देर मत रखना, जल जाएगी नहीं तो हमारी वो। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी कैसी बनी है, थोड़ी बहुत सिकी है या नहीं सिकी, ये देखिए ग्रिल सैंडविच ये लाइनें आ गई ना, इसको एक बार इसको उठा के देख लेते हैं हम। अब इसको ऐसे पलटी कर दीजिए, सिकी नहीं अभी, सिक रही है, और अच्छे से सेक लेते हैं इसको। तो और यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन लगा लेते हैं और दो मिनट के लिए दोबारा इसको बंद कर देते हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं और दोबारा से पलटी कर लेते हैं इसको, हमारा अच्छे से तैयार हुआ है नहीं हुआ भाई, इसको पलटी कर दीजिएगा। देखिए अभी चल रहा है अच्छे से, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है इस पर, गोल्डन कलर आ रहा है, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इस पर। तो इसको सिकने दीजिएगा अच्छे से, एक बार और दोबारा कर देते इसको बंद, अच्छे से सेक लेते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों क्योंकि ये मशीन धीरे धीरे सेकती है, उसको अच्छे से क्रंची कर देती है बिल्कुल, और जो चीज़ है हमारा जो हमने अंदर डाला है वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से सेकिएगा, ये देखो मैं कहते हैं दोबारा से, ज़्यादा इसलिए मैं बार बार चेक कराऊँगा ज़्यादा ना जल जाए। ये देखो बोला ना बड़ा क्रंची होएगा, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर आया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है ये। तो एक मिनट और लगेगी इसको अच्छे से, और एक बार और बंद कर देते हैं। ये आप देख लीजिए ये ऑलमोस्ट सिक गई है और हमारा चीज़ भी मेल्ट हो गया अंदर इसके। इसको एक बार और दोबारा पलटी कर देते हैं, ये देखिए ऑलमोस्ट हो गई है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और मैं आपको कट करके दिखाऊंगा अंदर से कैसी बनी है ये चीज़ हमारा, कितना मेल्ट हुआ नहीं हुआ। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ये हमने इसको इस प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए हमारा। अब मैं इसको कट करके दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा अंदर से ये बना हुआ है, देखिए बिल्कुल क्रंची बनी हुई है हमारी। इसको काटना थोड़ा आराम से, गर्म है ये देखिए ये चीज़ देखिए कितना, ये देखिए कितना अच्छा है पूरा, वो बहुत अच्छे से स्टफिंग हुई है इसकी, ठीक है। तो ये ऐसे हमारी बनके तैयार हो जाएगी, आप घर पे ट्राई कीजिएगा एक बारी, और मैं बाकी सेक लेता हूँ, आप भी बना लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा सैंडविच बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और जो हमने इसके अंदर चीज़ डाला था मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए चीज़ कितना अच्छा इसके अंदर फैला हुआ है, ये देखिए बिल्कुल आप देख सकते हो जैसा आपका शॉप पे मिलता है वैसा ही, स्टफिंग बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, ये देखिए। तो आप घर पे बनाइए इसको, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और खाइए। ये आप देखिए चीज़ देखिए कितना है,
काफ़ी बहुत टेस्टी बनेगा ये। इन दोनों को ऐसे रख के और बढ़िया तरीके से ये देखिए सॉस लगा के आप खाइए इसके ऊपर, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और बच्चे चाट चाट के खा जाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी है हमारी आज की रेसिपी। थैंक यू।